नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज पार्टी दफ्तर से इसे जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि उसका घोषणा पत्र पांच न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा अन्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उसमें 30 लाख नौकरियां देने पर और जो है युवाओं को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2024 में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी का भी वादा उन्होंने किया। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पांच न्याय और पांच तरह की गारंटियों का जिक्र है। खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी 400 रुपए की जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बड़ी बातों पर जरा नजर डालते हैं कि आखिर कांग्रेस ने जनता से वादा क्या किया है। आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा बिना किसी भेदभाव के जातियों समुदाय के लिए लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी गारंटी की बात करें तो कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से जो है बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को जो है कानूनी दर्जा दी जाएगी। कर्ज माफी की आयोग का गठन किया जाएगा कर्ज माफी के लिए, और इसके साथ ही GST मुक्त खेती का वादा किया गया। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया। वहीं बात करें नारी न्याय के तहत, तो नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच कराई जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालयों के साथ जो है विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी। दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी की शनिवार को जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैलियों में जो है कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। वहीं बात करें हैदराबाद में, तो हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधित जो है जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कांग्रेस के इस वादों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।